नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं घाघरा थाना क्षेत्र के सेरेंगदाग के ग्रामीणों ने बुधवार को वीडियो और आपूर्ति पदाधिकारी विष्णुदेव कक्षप को लिखित आवेदन देकर राशन उठाने में हो रही दूरी को लेकर आवेदन किया है। अपने आवेदन में ग्रामीणों ने कहा है कि सेरेंगदाग, भैंस बथान, पकरी पाट, लोधा पाट, धजा पाट और हड़हा पाट के ग्रामीणों को राशन उठाव करने के लिए लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पौड़ी आना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को 20 रुपए का राशन लेने के लिए 40 रुपए का किराया लगाकर आना पड़ रहा है। सभी ग्रामीणों ने वीडियो से मुलाकात करके नजदीकी डीलर के पास कार्ड को ट्रांसफर करने का आग्रह किया है, ताकि लोगों को राशन लेने में अनावश्यक परेशानी ना हो और आसानी से वो राशन ले सके। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि राशन लेने के लिए पूरे दिन का समय बर्बाद होता है और अनावश्यक दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में कार्ड धारक राशन लेना नहीं चाहते हैं। यदि प्रशासन इन लोगों की बात नहीं सुनती है तो ये राशन नहीं लेंगे। इधर नजदीकी डीलर के पास कार्ड ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसी भी उन्होंने मांग की है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदीप उराव, प्रकाश महली, तिवारी महली, मुकेश उराव, विवेक तिग्गा, चुल्लू उराव, कविता कुमारी और कांति देवी जैसे दर्जनों लोग मौजूद रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।